हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एज ए किचन क्वीन। तो आज मैं आपसे बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बंदा ये बंद गोभी की। तो बंद गोभी की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगती है। और हम इसके लिए क्या करेंगे कि ये बंद गोभी जो है ना, इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। इसे हमें चाकू या किसी चीज़ से काट नहीं करना है, इसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेना। इससे क्या होगा कि देखिए कितनी पतली पतली, कितनी अच्छी ये दिख रही है, और गलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए इसे ग्रेटर से ही ग्रेट कर ले। अब इसमें ना हम बेसन ऐड करेंगे, तो बेसन हम बाद में ऐड करेंगे। तो इसके लिए हमें पहले आगे के प्रोसेस में चलना होगा, तो फिर मैं बताऊंगी कैसे बेसन डालना है। तो चलिए आगे के प्रोसेस में हम चलते हैं। एक पैन को हमें गर्म करना है, और पैन में डालना है 2 से 3 चम्मच लगभग तेल, और तेल में हम थोड़ा सा ज़ीरा को ज़ीरा फ्राई करेंगे। ज़ीरा फ्राई करने के बाद थोड़ा सा हम डालेंगे प्याज, लगभग 1 प्याज मीडियम साइज का। इसे हल्का ही हम भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बस हमें हल्का सा इसे फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद से हम डाल देंगे इसमें 2 कटी हुई आलू। तो हमने गोल गोल शेप में 2 आलू को कट कर लिया है, गोल गोल, और छोटे शेप में हमने कट किया है। तो इसे हम डाल देंगे, और इस आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे। आलू को लगभग हम प्याज के साथ 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। चूँकि आलू को हमने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है, तो अब इसमें हम डाल देंगे पहले थोड़ा सा बेसन, ताकि बेसन हमारा ना भून जाए। तो तेल में बेसन को थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। इससे बहुत ही अच्छा हमारी सब्जी की टेस्ट खुल करके आएगी इस रेसिपी की। तो थोड़ा सा हमने इसे भून लिया है, भून लेना है। तो लगभग ये भून चुका है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे अपने बंदे गोभी को। बंदा गोभी ऐड करके अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे। लड़कों हम कम कर देंगे। थोड़ा बेसन फ्राई करने से बहुत बेनिफिट होता है कि हमारी बेसन की जो लसापन है वो नहीं आ पाती है। ऐसे अच्छी तरह से ये मिल जाती है, पक जाती है। तो बेसन को ना तेल में ही रख ले, थोड़ा सा भून ले तेल में ही। तो बंदा को भी डालने के बाद थोड़ी देर इसे ना फिर हम भूनेंगे, लगभग 1 मिनट इसे भी हमें भून लेना है। क्योंकि बंदा और आलू को हमने सबको एक साथ फ्राई कर लिया है, तो अब इसमें हम कुछ मसाले को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, नमक हम डालेंगे टेस्ट के अनुसार। तो नमक को हमें टेस्ट के अनुसार ही रखना है। एक चीज़ और हमें डालना है, चॉप किया हुआ ये लहसुन। आप चाहे तो इसे पीस करके भी डाल सकती हैं, लेकिन हमने इसे चॉप कर लिया है। तो इस तरह से सबको एक साथ मिक्स कर लेना है। सबको एक साथ मिक्स करके इसे थोड़ी देर ढक करके पका लेना।
तो इसे हम थोड़ी देर ढक करके पका लेंगे, ढक्कन लगा के। अब लास्ट में हम डाल देंगे आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक चम्मच कसूरी मेथी पाउडर और इसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिला करके इसे हम डाल लेंगे। तो हमारी जो है ना ये रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि किसी बर्तन में शक करके दिखाएंगे। अब ये बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। दाल चावल पे आप खा लें, रोटी पे भी खा लें, ये बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे हम शक करके दिखाते हैं।